वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर ट्वेंटी वन टू थर्टी फोर करेंगे तो क्वेश्चन ट्वेंटी वन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एन एंटिटी एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर कंसिड टू बी मोर एक्यूरेट तो कैश बुक सिस्टम कैश बुक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बेसिकली जस्ट कैश का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और बाकी बाकी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा होता तो इसमें एक बिजनेस की एक्यूरेट पोजिशन खाली कैश बुक से नहीं मिल सकते तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता सिंगल एंट्री सिस्टम इज बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो इन सेल्फ क्योंकि वो इनकम्प्लीट है तो वो मोर एक्यूरेट कैसे हो सकता है डबल एंट्री सिस्टम इज द करेक्ट आंसर क्योंकि इस आंसर के अंदर हर ट्रांजेक्शन के जो दो स्पेक्ट्स होते हैं वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और अल्टीमेटली हम उसकी एटलीस्ट रिथमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर कर सकते हैं पीरियड एंड पर तो सी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू हमारे पास है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज तो जो एस, एस, एसेट और लाइबिलिटीज की एस्टिमेटेड अमाउंट्स की बेस पर एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है एसेट लाइबिलिटीज और उसमें फिर एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है कैपिटल या इक्विटी को फाइंड आउट कर लिया जाता है उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज यूजली मेंटेन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज लार्ज बिजनेसिस कंपनीज पार्टनरशिप फ्रॉम स्मॉल बिजनेसिस पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं वो बड़े बिजनेसेस भी होते हैं और छोटे बिजनेसेस भी होते हैं तो स्मॉल बिजनेसेस के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते जिसकी वजह से वो समटाइम्स प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड और जो उनके पास इतना स्टाफ भी नहीं होता कि वो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर सके और वो नहीं कर रहे होते तो स्मॉल बिजनेसेस जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा क्वेश्चन ट्वेंटी फोर है कि इन सिंगल एंट्री सिस्टम यानी जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे होते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बन सकती है Uh, कुछ ना कुछ डाटा की बेस पर हम बनाते भी हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर नहीं बन सकता क्योंकि लेजर्स मेंटेन ही नहीं हो रहे होते सो सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो सिंपली कैश की इंफॉर्मेशन से या बैंक स्टेटमेंट से ये भी बन सकती है तो जो चीज़ नहीं बन सकती वो है सी ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर्स क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव हमारे पास है द ओपनिंग कैपिटल इज असरटेन बाय प्रिपेयरिंग तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से बनाते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बेसिकली एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज को लिस्ट किया जाता है और फिर उनके डिफरेंस के तौर पर जो है इक्विटी या कैपिटल की अमाउंट फाइंड आउट कर ली जाती है तो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स है हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला यूज टू असरटेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल तो इसमें बिजनेस इक्वेशन रेलिवेंट है तो बिजनेस इक्वेशन में जो प्रॉपर कंप्लीट फार्मूला है वो है क्लोजिंग इक्विटी इज इक्वल टू ओपनिंग इक्विटी प्लस अमाउंट इन्वेस्टेड जो न्यू कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग अब ये जो है ये इन इक्वेशन में मिसिंग है तो जो बाकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास दैट इज ऑप्शन सी ए में जो गलती है एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया हुआ है डी में भी यही है और बी के अंदर ड्राइंग्स को ऐड किया हुआ है ये मिस्टेक है तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन है कि नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय तो क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स फ्रेश कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का डाटा दिया हुआ है यानी बिजनेस इक्वेशन से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है तो बिजनेस इक्वेशन के मुताबिक क्लोजिंग इक्विटी इज इक्वल टू ओपनिंग इक्विटी प्लस अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इसको अगर हम रीफ्रेस कर लेते हैं फॉर प्रॉफिट रीअरेंज कर लेते हैं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस ड्राइंग्स होना चाहिए तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है जो uh, ऑप्शन बी और सी में बेसिकली ये प्लस में लिखे हुए हैं तो ये मिस्टेक्स हैं इसके अलावा भी जो ड्राइंग्स को यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है और यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल को प्लस में लिखा हुआ है तो ऑप्शन ए ही है जो हर एंगल से करेक्ट है क्वेश्चन ट्वेंटी एट है हमारे पास इफ ओपनिंग कैपिटल इज रुपीज टेन मिलियन एंड क्लोजिंग कैपिटल इज ट्वेंटी मिलियन एज्यूमिंग नो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड तो बिजनेस इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं और उसको फिर प्रॉफिट के लिए रीअरेंज uh, कर लेते हैं तो इसमें अगर हम कहते हैं कि जी ये जो इन्वेस्टेड और ड्राइंग्स दोनों अमाउंट ही अगर जीरो हैं क्योंकि इन्वेस्टेड की वैल्यू नहीं दी हुई ड्राइंग्स का स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि वो नहीं है तो प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी तो ट्वेंटी में से अगर हम टेन मिलियन निकाल दें और ये इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट तो ज़ीरो ही रहेगा तो हमारे पास टेन मिलियन के प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन ऑफ द फोल पोज टू यूज्ड टू गेट द फिगर ऑफ क्रेडिट परचेजेस मेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड तो क्रेडिट परचेजेस की वैल्यू जो है वो हमें क्रेडिटर्स का अकाउंट यानी पेबल के अकाउंट बना के पता चलेगी ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन थर्टी है कि टू अपटेन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स मेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विच अकाउंट इज जनरली यूज्ड इन सिंगल एंट्री एंड इन रिकॉर्ड तो क्रेडिट सेल्स जो हैं वो किसे करते हैं हम वो हम कस्टमर्स को करते हैं उनसे जो रिलेटेड अकाउंट बनता है दैट इज रिसीवेबल अकाउंट अकाउंट और डेटर तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट क्वेश्चन थर्टी वन है कि इफ प्लांट जिसका क्लोजिंग बैलेंस एट मिलियन है लैंड का ओपनिंग बैलेंस फाइव मिलियन है क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस वन मिलियन है देन ओपनिंग कैपिटल इज तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें वो ही एसेट लेने होंगे जो और लाइबिलिटीज लेनी होंगी जिनका ओपनिंग बैलेंस है जो ईयर एंड पर आपके पास एसेट्स आए हैं वो ओपनिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए रेलिवेंट नहीं है सो so, अगर हम अप्लाई करते हैं तो ओपनिंग एसेट्स हमारे पास फाइव मिलियन के हैं दैट इज लैंड और ओपनिंग लाइबिलिटीज जो हैं वो वन मिलियन की हैं क्राइटर्स की और इनका नेट कर लेंगे तो हमारे पास इक्विटी आ जाएगी फोर मिलियन ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन थर्टी टू है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स वर फोर वन टू एट हंड्रेड

इसके बाद हमें ये बताया गया कि जो उनसे पैसे रिसीव हुए हैं वो वैल्यू हम क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे जो डिस्काउंट अलाउ किया है वो भी क्रेडिट साइड पर मेंशन हो जाएगा बैड डेट की वैल्यू है ये भी रिसीवेबल इससे क्रेडिट हो जाएंगे इसके बाद हम टोटल कर लेंगे और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी सो so, सेल्स की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी थी तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सी क्वेश्चन थर्टी थ्री है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स वर रुपीज़ फोर फिफ्टी थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड थाउजेंड रिस्पेक्टिवली डरिंग द ईयर थ्री पॉइंट फोर मिलियन वाज पेड टू सप्लायर्स और हमने क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करनी है तो रेलिवेंट पेबल का अकाउंट बनाकर हम ये फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं सो ओपनिंग पेबल्स फोर फिफ्टी थाउजेंड की गिवन है क्लोजिंग पेबल्स सेवन हंड्रेड थाउजेंड की गिवन है और जो पेमेंट हमने की है वो थ्री पॉइंट फोर मिलियन की गिवन है ये पेबल अकाउंट में डेबिट साइड पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसके बाद हम टोटल कर लेते हैं अकाउंट का तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें क्रेडिट परचेजेस की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 3.65 मिलियन सो ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन 34 है कि स्टाफ सैलरी पेबल फॉर द मंथ एंड वाज 74540 एंड 96720 एज इट्स ओपनिंग बैलेंस सो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है सैलरी पेड ड्यूरिंग द पीरियड 856420 फाइंड द एक्रूड सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड एक से मुराद ये कि जो उस पीरियड के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड का वर्ड यूज हुआ है तो यानी एक्सपेंस के तौर पर जो एक हुई उस पीरियड के अंदर सो एक्सपेंस के अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम सैलरीज कटी अकाउंट बना लेते हैं हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है नाइन सिक्स सेवन टू जीरो क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है जो अमाउंट की पेमेंट की है वो भी यहां पर मौजूद है तो जब सैलरीज आप पे करते हैं तो सैलरीज डेबिट और कैश क्रेडिट तो सैलरीज के अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा टोटल करेंगे और जो एज अ बैलेंसिंग फिगर है हमें पता चल जाएगी कि प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस कितनी अमाउंट चार्ज होनी चाहिए इस पीरियड की तो दैट इज़ एट थ्री फोर टू फोर जीरो एंड दैट मीन्स के ऑप्शन ए इज़ करेक्ट सो दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे